नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल स्टार डीएमसी हॉलीडेज में और मैं हूं आपका होस्ट मुश्ताक शरीफ। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुर का नाम ब्रह्मपुर क्यों है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ब्रह्मपुर से 4 किलोमीटर दूर लाठी नाम के एक छोटे से गांव में बसे भगवान ब्रह्मेश्वर के नाम से मशहूर इस मंदिर से ब्रह्मपुर का नाम रखा गया है। अगर आप यहां कभी भी न आए हों तो अपने जीवन काल में अवश्य एक बार यहां जरूर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ब्रह्मपुर के ऊपर। क्या आप तैयार हैं? तो देर किस बात की, चलिए। ब्रह्मपुर उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का सबसे सुंदर और बेहतरीन शहर है। इसकी दूरी राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से तकरीबन 175 किलोमीटर है। ब्रह्मपुर की हर रोज की सुबह इतनी ही खुशनुमा और तंदुरुस्ती से भरी होती है, जहां आपको बच्चों का चहकना, लड़कियों की वो नटखट अदाएं, लड़कों का वो मासूम भोलापन और बुजुर्गों का वो कभी ना खत्म होने वाला अपनापन नजर आता ही रहता है। ब्रह्मपुर में आप हर जगह यानी गली मोहल्लों में कुछ ना कुछ सुंदरता जरूर पाएंगे। यहाँ का रेलवे स्टेशन एक यादों का खजाना है। यहाँ के लोगों के लिए मानो कितने सपने साकार होने का एकमात्र मूक गवाह है जो सदियों से खड़ा देख रहा है। न जाने कितनी यादें इस जगह से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। लोगों का आना, लोगों का जाना, खुशनुमा चेहरे जो अपनों को बहुत दिनों बाद देखकर खिलखिलाते हैं, और वहीं कुछ फूट फूट के रोते हुए चेहरे बिछड़ने वालों को अलविदा कहते हैं। किसी जमाने में पुराने बस स्टैंड की काफी रौनक हुआ करती थी, आज ये एक टैक्सी स्टैंड बनकर रह गया है। न्यू बस स्टैंड पूरे उड़ीसा को ब्रह्मपुर से जोड़ता है। बस में अक्सर गांव के लोग सफर करते हैं क्योंकि वहां तक अभी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं आई है। एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर की शान है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यह शहर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आपका टेस्ट बर्ड किसी वजह से खराब हो चुका हो तो एक बार ब्रह्मपुर का स्ट्रीट फूड आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप ये स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे और बहुत ही कम कीमत पर। यहाँ की खासकर लस्सी, मोमोस, कटलेट्स और ढेरों नॉनवेज आइटम इतने मशहूर हैं कि लोग दूर दराज गांवों से सिर्फ यहाँ खाने पीने के लिए ही आते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग सोमवार, गुरुवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेरियन के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। ब्रह्मपुर को लोग यूं ही फूड कैपिटल नहीं कहते, भाई यहाँ के खानों में तो वाकई दम है। जिस तरह आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े वहाँ का सिग्नेचर प्रोडक्ट है, उसी तरह पूरी उपमा वाला ब्रेकफास्ट ब्रह्मपुर का सिग्नेचर प्रोडक्ट है। आपको हर 500 मीटर पे एक पूरी उपमा का स्टॉल मिल ही जाएगा। पूरी उपमा के साथ इतने वैरायटी की तरकारी और चटनी होती है कि ये आपके कल्पनाओं के परे है। ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटी शायद ही दुनिया की किसी जगह मिलती होगी, वो भी जिसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए मात्र है। जमाने के साथ साथ ट्रेडिशनल दुकानों के अलावा भी ब्रह्मपुर में बहुत सारे ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो नए जनरेशन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ब्रह्मपुर अपने अचारों के लिए भी उतना ही मशहूर है।
इसके अलावा पापड़, बढ़िया, जंती किली, सेगडलू, सुपलू उतने ही शौक से लोग यहाँ खाते हैं। भापुर बाजार इन सब चीजों का गढ़ है। देश विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए उनके परिवार वाले ये सब चीजें उन्हें मुहैया कराते हैं पार्सल के जरिए। जो बात यहाँ के टेस्ट में है वो और कहीं नहीं। बरहमपुर का सबसे बड़ा वेजिटेबल मार्केट कुमापल्ली मार्केट है। ऐसी कोई वेजिटेबल की वैरायटी नहीं जो यहाँ ना मिलती हो। आस पड़ोस के छोटे मोटे गांव की औरतें अपना वेजिटेबल यहाँ बड़े मार्केट में बेचती हैं। ये उनका एक रोजगार का जरिया है। नॉनवेज में उड़ीसा के लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको फिश की हर वो वैरायटी मिल जाएगी। बरहमपुर टाउन में बीते दिनों में काफी जगहों पर सौंदर्यकरण किया गया है। जगह जगह आपको कुछ लोग सेल्फी लेते हुए दिख जाएंगे। अगर आप बरहमपुर से बिलोंग करते हैं तो ये कुछ नजारों से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। हाल ही में बनाया गया लिंगेश्वर पार्क फिलहाल बरहमपुर टाउन का मेन अट्रैक्शन है। लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ शाम को वक्त गुजारने के लिए आते हैं। शाम के वक्त लाइटिंग्स और खूबसूरत फव्वारों के नजारे देखते ही बनता है।
बरहमपुर माँ बूढ़ी ठाकुरानी मंदिर के बिना अधूरा है। ठाकुरानी यात्रा बरहमपुर का सदियों पुराना आस्था का प्रतीक रहा है। अगर आपको वाकई में यात्रा देखना हो तो आप ठाकुरानी यात्रा को जरूर अटेंड करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये यकीन नहीं होगा कि बरहमपुर में इतना सुंदर चर्च है। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे बरहमपुर को अच्छे से जानने की और पहचानने की, है ना? बरहमपुर वालों के लिए सबसे फेवरेट हैंगआउट ऑप्शन है गोपालपुर। अफोर्डेबल, ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल। क्योंकि मैं गोपालपुर से बिलोंग करता हूं, तो मुझसे अच्छा गोपालपुर को और कौन जान सकता है। बरहमपुर से गोपालपुर की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। संडे यहां पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती। कोशिश की है कि मैं अपने अंदाज में आपको बरहमपुर दिखा सकूं। मुझे पता है कि मैंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी होंगी, लेकिन जानिए आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे यकीन है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी रोज़ किसी नए डेस्टिनेशन में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।